गाइस, मैं उलीशा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्यू न्यूज में। गाइस, उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की रोकथाम में सरकार का स्वास्थ्य महकमा फेल हो रहा है, तो पुलिस का डंडा इसकी भरपाई करने में जुटा हुआ है और इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि थोड़े दिनों के आंशिक लॉकडाउन में इसका उल्लंघन करने वालों से पुलिस अब तक 86 करोड़ रुपए जुर्माना वसूल चुकी है और इसकी जानकारी एडीजी कानून व्यवस्था ने कार्रवाई के आंकड़े जारी करते हुए दी। 24 मार्च 2020 में कोरोना की पहली लहर के दौरान संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया और लोगों को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी थी। उस वक्त अप्रैल तक पुलिस ने प्रदेश भर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने में 42,359 चालान काट कर 5,87,00,000 रुपए जुर्माना वसूला था और इस बार कोरोना के घातक रूप में दस्तक के बाद चारों तरफ हाहाकार मच गया। हर घंटे लोग मर रहे हैं और सरकार उन्हें समय से इलाज देने में नाकाम साबित हो रही है। हालत बिगड़ते देख 15 अप्रैल से सरकार ने नाइट कर्फ्यू के साथ सख्ती शुरू की, जो धीरे धीरे लॉकडाउन में बदल गया। हालांकि इसे आंशिक लॉकडाउन तक सीमित रखकर इसका समय 10 मई तक बढ़ा दिया गया था और इस आंशिक लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में प्रदेश भर में अब तक 53,79,083 चालान काटे जा चुके हैं और इस चालान के जद में आने वालों से 86,12,169 रुपए जुर्माना वसूला गया, जो सामान्य तौर पर पुलिस की पूरे साल की कार्रवाई से कई गुना ज्यादा है। जानकारों का कहना है कि संपूर्ण लॉकडाउन में जनता की मूलभूत सुविधाओं और जरूरतों की जिम्मेदारी सरकार की होती है और पिछली बार संपूर्ण लॉकडाउन में सरकार लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाने से लेकर उनके जीवन नक्शा तक हर मोर्चे पर फैल रही। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना मिलने की वजह से यूपी के लाखों कामगारों मजदूरों ने पैदल सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय किया, इसमें सैकड़ों जिंदगियां चली गई। सरकार के कम्युनिटी किचन की व्यवस्था कारगर नहीं हुई और जाने कितने बेसहारा भूख से मर गए। इन सब के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए विपक्ष ने खूब शोर शराबा किया। पिछली बार से सबक लेते हुए सरकार इस बार इन हालातों की जिम्मेदारी अपने सिर नहीं लेना चाहती, इसलिए आंशिक लॉकडाउन का फॉर्मूला अपना रही है। गाइस, आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।